नमस्कार दोस्तों, रुपेश बंसल आरबीएल मीडिया में आपका स्वागत कर रहा हूं। स्वरित बुएजा मेमोरियल होम्योपैथी क्लिनिक में पहुंचा हुआ हूं। यह क्लिनिक श्री राम मंदिर फाजिलका में बना हुआ है। यहां पर डॉक्टर रितनेश नागपाल द्वारा अपनी सेवाएं दी जा रही हैं। होम्योपैथिक पद्धति से इलाज किया जा रहा है। इनके द्वारा हर बीमारी का इलाज यहाँ पर किया जा रहा है। आरबीएल मीडिया पर आपको लाइव दिखा रहा हूँ। बने रहे हमारे साथ, देखते रहे हमारा चैनल। हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें। फाजिलका के मशहूर ठेकेदार सतपाल उपवेजा द्वारा अपने भतीजे स्वरित उपवेजा की याद में खोले गए इस अस्पताल में देखिए किस तरह से मरीज आ रहे हैं, अपना इलाज करवा रहे हैं। होम्योपैथिक पद्धति द्वारा यहां पर इलाज किया जा रहा है। डॉक्टर रितनेश नागपाल यहां पर अपनी सेवाएं दे रहे हैं। हर रोज सुबह 10 बजे से 2 बजे तक और शाम 5 बजे से 8 बजे तक यहाँ पर मरीजों की जाँच की जाती है। हर तरह की बीमारियों का इलाज किया जा रहा है। आरबीएल मीडिया पर आपको लाइव दिखा रहा हूँ। बने रहे हमारे साथ, देखते रहे हमारा चैनल। हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें। डॉक्टर रितनेश नागपाल जो कि फाजिलका के ही निवासी हैं, उनके द्वारा यहां पर सेवाएं दी जा रही हैं। होम्योपैथिक पद्धति से इलाज किया जा रहा है। अब मैं आपको मिलवाता हूं डॉक्टर रितनेश नागपाल से, देखते हैं वो क्या जानकारी दे रहे हैं। आरबी लाइव मीडिया आपका अपना चैनल, सब्सक्राइब करना न भूले। अब मैं आपको मिलवाने जा रहा हूँ स्वरित उपवेजा मेमोरियल होम्यो क्लिनिक के जो संचालक हैं डॉक्टर रितनेश नागपाल जी से, ये हमें दे रहे हैं जानकारी। जी डॉक्टर साहब, सबसे पहले आपको नमस्कार। ये हमें जानकारी दीजिए कि किस तरह से ये हॉस्पिटल खोला गया है और किस उद्देश्य से ये हॉस्पिटल खोला गया है। सारे फाजिलका निवासियों को नमस्कार। मेरा मैं डॉक्टर रितनेश नागपाल फाजिलका से, मैं BHMS होल्डर हूँ और राम मंदिर चैरिटेबल होम्योपैथिक हॉस्पिटल में अपनी सेवाएं दे रहा हूँ सुबह 10 से 2 और शाम को 5 से 8। ये हॉस्पिटल बढ़ती महंगाई को देखते हुए और लोगों के प्रचलन को देखते हुए फाजिलका में होम्योपैथी की तरफ ये हॉस्पिटल को खोला गया है। हॉस्पिटल को 16 जुलाई 2017 को खोला गया है। आज इस हॉस्पिटल को तकरीबन 9-10 महीने हो चुके हैं। इस हॉस्पिटल का उद्देश्य ये है कि लोगों को होम्योपैथिक दवाई से जोड़ा जाए, जो कि एक नेचुरल ट्रीटमेंट है। इस होम्योपैथी दवाई का जितना प्रचलन आज चल रहा है उसको देखते हुए इसका लोगों में बहुत रिस्पांस मिला है और कोशिश की है 10 महीने के अंदर और भी लोगों को इससे जोड़ा जाए। जी जी डॉक्टर साहब, हमें ये बताएं कि होम्योपैथिक पद्धति आखिर है क्या, ये होम्योपैथिक क्या चीज़ है? देखिए, होम्योपैथिक दवाई जर्मन से डेवलप हुई है सबसे पहले और धीरे धीरे इसका प्रचलन हुआ तो ये इंडिया की तरफ आई है। लोग होम्योपैथी दवाई जो लोग लेते हैं वो बहुत ज़्यादा समझते हैं कि होम्योपैथी जर्मन से डेवलप हुई है और इंडिया में किस तरह आई है। पंजाब में इसका जो प्रचलन हुआ है महाराजा रणजीत सिंह के टाइम से हुआ है। उसके बाद नई नई बीमारियां आई हैं, नई नई इलाज आए हैं और होम्योपैथी को लोगों ने बहुत ज़्यादा पसंद किया है अपने इलाज के लिए। होम्योपैथी में खांसी जुकाम से लेकर मौसम के बदलाव से लेकर पथरी के दर्द तक या कैंसर जैसी लाइलाज बीमारियों का भी हल किया जा सकता है। होम्योपैथी में बहुत सारे केसेस वीट एलर्जी के आते हैं, जोड़ों के दर्द के आते हैं, आज जितनी भी समस्याएं पेट की चल रही है उसके लिए आते हैं। आप होम्योपैथी को ट्राई करें, एक बार ज़रूर आएं, आप देखें कि किस तरह हम अपनी जीवन शैली में बदलाव करते हुए होम्योपैथी के साथ अपने आप जीवन को और सफल बना सकते हैं। जी, लोगों को महंगी दवाइयों से छुटकारा दिलाने के लिए ये होम्योपैथिक चैरिटेबल हॉस्पिटल श्री राम मंदिर में खोला गया है, जहां पर डॉक्टर रितनेश नागपाल जी द्वारा सेवाएं दी जा रही हैं। हम अपील कर रहे हैं कि आप एक बार ज़रूर किसी भी तरह की बीमारी का जो इलाज करवाना चाहते हैं वो यहां पर ज़रूर आएँ और बिल्कुल फ्री की तरह ही यहां पर इलाज किया जाता है। एक बार ट्राई जरूर करें, होम्योपैथी पद्धति सबसे बेहतर पद्धति है। आरबी लाइव मीडिया पर आपको लाइव दिखा रहा हूँ। बने रहे हमारे साथ, देखते रहे हमारा चैनल। हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें।